क्राइम ब्रांच ने महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए दो ऐसे विदेशियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एटीएम की धोखाधड़ी के माध्यम से 2000 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया और करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है। क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए इन विदेशी नागरिकों के संबंध में एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी मूल रूप से रोमानिया के हैं और वर्तमान में कोलकाता व दिल्ली में रहते हैं। इनके नाम एड्रियन और कॉन्स्टेंट हैं। इनके विरुद्ध कोलकाता थाने पर अपराध पंजीबद्ध है। कोलकाता पुलिस द्वारा सूचना मिली थी कि ये फरार बदमाश मध्य प्रदेश में इंदौर या आसपास के शहर में हो सकते हैं। इस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी कर इन्हें पकड़ा। इनसे इंदौर या आसपास में की गई ऐसी वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। साथ ही इनके पकड़े जाने के बारे में कोलकाता पुलिस को सूचित कर दिया गया है। कल क्राइम ब्रांच इंदौर को एक सूचना कोलकाता पुलिस जो है वहाँ की क्राइम ब्रांच के द्वारा दी गई थी कि कोई दो सस्पेक्ट है जो फरार है और वो यहाँ से भाग रहे हैं। इस सूचना को वहाँ से शेयर किया गया था। इस सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच और मानपुर पुलिस के द्वारा ज्वाइंट रूप से एक ऑपरेशन किया गया। इसमें दो जो आरोपी जो लखनऊ से और मुंबई की ओर भाग रहे थे उनको घेराबंदी करके पकड़ा गया है। वो बेसिकली बाई रोड जा रहे थे और दोनों को जब चेक किया गया तो उनमें से एक एंड्रियन और दूसरा उसका एक और साथी था कॉन्स्टेंटिन। ये दोनों ही जो लोग हैं वो मूल रूप से रोमानिया के रहने वाले हैं और अभी यहाँ पर वीजा के उस पर वीजा पर इंडिया में आए हुए थे और दिल्ली में इन्होंने अपना बेस कैंप बनाया हुआ था और वहाँ पर किराए से रह रहे थे। इसके अलावा अलग अलग शहरों में ये घूम रहे थे। बताया जा रहा है कि कोलकाता पुलिस जल्द ही इन दोनों आरोपियों को कोलकाता लेकर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर। इंदौर से अमरावती जा रही हंस ट्रेवल्स की बस सिमरोल के पास खाई में गिर गई। हादसे में 17 लोग घायल हुए हैं और इनमें से दो की हालत गंभीर है। हादसा सिमरोल के समीप घाट में हुआ। बस रात 9:30 बजे करीब 24 सवारियां लेकर इंदौर से रवाना हुई थी। जाम की वजह से रास्ते में बस कुछ देर खड़ी रही। रात करीब 11:15 बजे बस के खाई में गिरने की सूचना मिली। ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान अनियंत्रित होकर 500 फीट गहरी खाई में गिर गई। पेड़ और रेलिंग होने की वजह से बस 60 फीट पर अटक गई। 2 घंटे चले बचाव कार्य के बाद सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया। एम्बुलेंस से सभी घायलों को एमवी अस्पताल इंदौर लाया गया। हंस ट्रेवल जो इंदौर से अकोला जा रही थी इसमें बेहरू घाट के पास बस खाई में गिर गई जिससे 25 से 30 लोग घायल हो गए। इनको हमारी एम्बुलेंस तेजाजी नगर बलाशिया सिमरोल इन गाड़ियों से यहाँ लेके आया। कितनी 108 की गाड़ियाँ इसमें लगाई गई थी? इसमें 5 एम्बुलेंस लगाई गई थी और जाम काफी लगा हुआ था। हम बड़ी मुश्किल से मशीन तक पहुँचे हैं। फिलहाल सभी घायलों का अलग अलग अस्पतालों में उपचार जारी है। वहीं 2 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर। भोपाल के एक ITI ट्रेनिंग सेंटर में गुरुवार को 2 मूक बधिर छात्राओं के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ का मामला सामने आया। ये शेल्टर होम सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग के अनुदान से चल रहा था। यहाँ मूक बधिर छात्राओं को कंप्यूटर, सिलाई व कढ़ाई आदि की ट्रेनिंग दी जाती थी। साथ ही यहीं पर छात्राओं के रहने वाली व्यवस्था भी थी। छात्रा की रिपोर्ट पर इंदौर में मामला दर्ज। लगभग 3-4 दिन पहले मुखबथीर छात्रा ने इंदौर के मुखबथीर सहायता केंद्र में मामले की शिकायत की थी। छानबीन के बाद मामला सही पाया गया। गुरुवार को पुलिस ने पहले धार में शिकायत दर्ज कराई, भोपाल पुलिस को जानकारी दी, जिसके आधार पर भोपाल पुलिस ने अवधपुरी इलाके से 35 वर्षीय संचालक अश्विन शर्मा को हिरासत में ले लिया। उसे शिनाख्ती के लिए धार भेजा गया है। आज इस आशय की एक रिपोर्ट आई है जिसमें धार जिले की रहने वाली 2 मूक बधिर बहनें हैं और वो भोपाल में 1.5 वर्ष पहले की एक घटना है जिसमें वो भोपाल में ITI कर रही थी और एक अश्विनी शर्मा नामक व्यक्ति के निवास पर ये रह रही थी और छात्राओं का ऐसा कहना है कि 1.5 वर्ष पहले वो उस मकान मालिक अश्विनी शर्मा ने इनके साथ छेड़खानी की है। क्योंकि दोनों मूक बधिर हैं और मूक बधिर संस्थान इंदौर के जो समन्वयक हैं उनके माध्यम से वो उन्होंने आकर के संबंध में शिकायत थाना हीरानगर में दर्ज कराई है। हमने अश्विनी शर्मा के विरुद्ध छेड़खानी के तहत की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है और ये प्रकरण अब आगे अनुसंधान के लिए भोपाल भेजा जाएगा।
पुलिस के मुताबिक संचालक अश्विन शर्मा द्वारा 3-4 महीने पहले भी एक और मुखपथ छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन उसने शिकायत नहीं की थी। दो मुखपथ बच्चियां 4-5 दिन पहले काउंसलिंग के लिए हमारे पास आई थी, मैं और मेरे हस्बैंड के पास में। आगे पढ़ना चाहती थी तो उसके लिए पूछ रही थी कि कहाँ एडमिशन लेना। तो बातचीत के दौरान उन्होंने हमको बताया कि वहाँ पर जहाँ वो भोपाल में रहती थी वहाँ उनके साथ कुछ गलत हुआ। और जैसे हमको ये बात पता चली, हमने अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं भोपाल DIG और धार SP दोनों को सूचित करा, और फिर उसके बाद में तुरंत उन्होंने बताया कि इसको जीरो इन करवाइए और तत्काल उसकी FIR हुई। हाल ही में 19 वर्षीय छात्रा द्वारा शिकायत किए जाने के बाद पहले हुई घटना की भी जांच की जा रही है। यहां रहने वाली हर छात्रा की ट्रेनिंग और आवास के लिए सरकार 4,000 रुपए महीना देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एन न्यूज, इंदौर। बाबा महाकाल का जलाभिषेक करने सप्त सागर और 21 नदियों का जल लेकर इंदौर से कांवड़ यात्री उज्जैन पहुंचे, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान ऊर्जा मंत्री में नई ऊर्जा दिखाई दी, जहां मंत्री पारस जैन ने केसरिया ध्वज लहराया और यात्रा के समापन पर मां शिप्रा को चुनरी ओढ़ाई गई। सावन माह में बाबा महाकाल की भक्ति और पूजन का अपना ही एक अलग महत्व है। बाबा महाकाल को सावन माह में जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। इस माह में बाबा महाकाल की नगरी में कांवड़ यात्रियों का मेला लगा रहता है। इसी के चलते शुक्रवार को बाबा महाकाल का 21 नदियों और सप्त सागर के जल से पूजन अभिषेक करने के लिए कांवड़ यात्री इंदौर से उज्जैन पहुंचे, जहां पूरे मार्ग पर यात्रियों का स्वागत किया गया। ये यात्रा ग्रामीण क्षेत्र से निकली है, ये यात्रा बाबा महाकाल के पास जाएगी, जिसमें हमारे केसर सिंह जी इस यात्रा के प्रभारी रहे हैं और इस यात्रा के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े जितने भी कार्यकर्ता हैं और भगवान शिव के परम भक्त हैं, सावन महीना के पावन पर्व के पावन शुभ अवसर पर आज ये जो ये धर्मझाला का यात्रा और जो है माँ छिपरा के लिए चुनरी चढ़ेगी और महाकाल मंदिर पर जाकर दर्शन पूजन याचना पाठ होगा, उसके बाद पुनः राम घाट पर आकर महादेव के मंदिर पर ध्वजा चढ़ाया जाएगा। इस दौरान ऊर्जा मंत्री भी शामिल थे, जहां ऊर्जा मंत्री में भक्ति ऊर्जा दिखाई दी, वहीं यात्रा के निकास चौराहे पहुंचने पर स्वागत के पश्चात मंत्री जैन ने केसरिया ध्वज लहराया। यात्रा में महिलाएं भी शामिल हुई, जहां महिलाएं कलश लेकर बाबा का जलाभिषेक करने पहुंची। कांवड़ यात्रा के दौरान महामंडलेश्वर 1008 महंत रामेश्वर दास जी महाराज, ऊर्जा मंत्री पारस जैन, यात्रा के संयोजक ईश्वर सिंह पटेल सहित कई लोग शामिल हुए और बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया। पांडवों के अज्ञातवास स्थान इंदौर से गोमुख घाट का जल, काली सिंध का जल लेकर के और सप्त सागर सहित पवित्र 21 नदियों का जल लेकर के माननीय गुरुजी के आशीर्वाद से ये यात्रा गुरुजी ने ही ध्वज दिया और ये यात्रा प्रारंभ हुई है। और ये यात्रा इनके आशीर्वाद से देखिए हजारों की संख्या में वहाँ से यहाँ तक श्रद्धालुओं ने और खूब इस यात्रा का स्वागत किया। कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, एन न्यूज, उज्जैन। पुलिस वाहन के ड्राइवर की लापरवाही की वजह से कई लोगों की जान पर बनाई। ड्राइवर बस में चाबी लगाकर छोड़ गया, जिसका फायदा उठाते हुए एक मानसिक विक्षिप्त ने बस स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। बस की चपेट में आकर दो महिलाएं घायल होने के साथ ही दो बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। वो तो गनीमत ये रही कि खंबे से टकरा कर बस रुक गई, नहीं तो कई और लोग इसकी चपेट में आ जाते। वहीं पुलिस ने मानसिक विक्षिप्त को हिरासत में ले लिया है। MY अस्पताल में सुरक्षा जांच के लिए DRP लाइन का बस से आया था। यहां उतरने के बाद पुलिस जवान अपने काम के लिए चले गए, जबकि बस चालक भी बस में चाबी लगी छोड़कर चला गया। इसका फायदा उठाते हुए एक मानसिक विक्षिप्त युवक ने बस स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। बस की चपेट में मौके पर मौजूद सास बहू केसर बाई और कामिनी आ गई। उन्हें टक्कर मारते हुए बस ने दो बाइक को भी अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद बस खंबे से टकरा कर रुक गई। बस रुकते ही मौके पर मौजूद लोगों ने मानसिक विक्षिप्त को बस से उतारकर उसकी जमकर पिटाई कर उसे MY चौकी पुलिस के सुपुर्द कर दिया। वहीं दोनों घायल महिलाओं को इलाज के लिए MY अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना की जानकारी लगते ही CSP संयोगितागंज ज्योति उमट और अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए।
अब पुलिस मानसिक विक्षिप्त पर कानूनी कार्यवाही और लापरवाह बस ड्राइवर पर विभागीय कार्यवाही करने की बात कह रही है। आसिया रिजर्व का हमारा बल है जो लाइन से यहाँ पर एक सुरक्षा व्यवस्था में लगा हुआ था पिछले कुछ दिनों से, उसकी गाड़ी जो है एम्बैच परिसर में पार्क रहती थी, जिसे आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे एक मंदबुद्धि व्यक्ति द्वारा जो चलाया गया और उसने जो है दो महिलाओं को टक्कर मारी और टक्कर मारते हुए पेड़ से उसने गाड़ी टकरा दी। इस मामले में गनीमत रही कि बड़ी जनहानि नहीं हुई, बस के आगे ही खंबा होने की वजह से बस उससे टकरा कर रुक गई, नहीं तो दुर्घटना के समय बस से कुछ ही दूरी पर मरीज के परिजनों को खिचड़ी बांटी जा रही थी, बस वहां तक पहुंच जाती तो ये बड़ा हादसा हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर। जुनी इंदौर थाना क्षेत्र में एक व्यापारी की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मौत से कुछ समय पहले ही उसका एक अन्य व्यापारी से विवाद हुआ था। अब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है ताकि मौत के कारणों का खुलासा हो सके। मामला जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के लोहा मंडी का है। यहां पर हितेश नामक व्यक्ति का किराने का गोदाम है। रितेश के गोदाम के ऊपर ही सन्नी का भी गोदाम है, जहां दोनों का विवाद हुआ था। विवाद के बाद हितेश घर आ गया, जहां उसकी अचानक मौत हो गई। मौत कैसे हुई इसकी वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। क्या तो नहीं कह सकते, ये हितेश मेघानी का और सन्नी परचानी और संजय परचानी का विवाद हुआ था। विवाद होने के बाद ये जो हितेश मेघानी है ये अपने घर से ला गया था। घर में इसकी तबीयत खराब हुई तो हॉस्पिटल आया, वहाँ इसकी मृत्यु हो गई। अब कल PM करवाएंगे, PM करवाने के बाद क्या स्थिति बनती है वैसे कर। अब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है ताकि हितेश की मौत के कारणों का खुलासा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर। नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर की ऐतिहासिक धरोहरों के जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के तहत होलकर कालीन छतरियों व राजवाड़ा सहित गांधी हॉल का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिसके कारण सालों से चली आ रही गांधी हॉल प्रांगण में लगने वाले सावन के मेले और झूले की परंपरा खंडित हो गई। लेकिन शुक्रवार को महापौर ने यहां पर झूले लगाने के लिए निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। गुरुवार को शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे ऐतिहासिक धरोहरों के जीर्णोद्धार के कार्यों का जायजा लेने के लिए महापौर मालिनी गौड़ गांधी हॉल पहुंची। महापौर के दौरे की भनक लगते ही विधानसभा 3 की विधायक उषा ठाकुर भी गांधी हॉल पहुंची और उन्होंने महापौर मालिनी गौड़ से सावन में गांधी हॉल में लगने वाले सावन के झूलों को लगाने के लिए आग्रह किया। विधायक उषा ठाकुर का आग्रह महापौर मालिनी गौड़ को इतना भाया कि दोनों ने यहां पर एक पेड़ पर लगे झूलों का आनंद लिया। दीदी और चल देना। विधायक उषा ठाकुर ने बताया कि उनके पास उनकी विधानसभा क्षेत्र के कुछ माता व बहनें आई थी और उन्होंने आग्रह किया था कि निर्माण कार्य होने से गांधी हॉल में झूले नहीं लगे हैं, इसीलिए मैंने महापौर से आग्रह किया है कि वे सावन के सोमवार पर यहां पर झूले की परमिशन दें। कल मेरे रामबाग स्थित कार्यालय पर बहुत सारी बहनें और छोटे बच्चे आए, उन्होंने ये प्रार्थना की कि बरसों बरस से सावन का मेला गांधी हॉल में निर्विघ्न लगता था। इसी संदर्भ में मैं महापौर जी से निवेदन करने आई हूँ कि ये जो गेट है सावन के महीने में झूलों के लिए बच्चों के लिए इसे खोल दिया जाए और निर्माण कार्य के तरफ हम कोई सुरक्षात्मक एक व्यवस्था लगा दें, पतरे ठोक दें, पर सावन के इस सुख से हम महिला और बच्चों को वंचित ना करें। महापौर मालिनी गौड़ ने बताया कि गांधी हॉल के जीर्णोद्धार का कार्य यहां पर चल रहा है, जिसके चलते परिसर में निर्माण सामग्री रखी हुई है, किसी प्रकार का नुकसान आमजन को न हो इसलिए इस बार यहां पर मेले की परमिशन नहीं दी गई है। रहा सवाल झूलों का, तो कोशिश रहेगी कि सिर्फ सावन के सोमवार पर यहां पर झूलों का इस्तेमाल किया जा सके। वन में सोमवार को इसको चालू रख रहे हैं क्योंकि चूंकि काम चल रहा है, लेकिन ये सावन बीतने के बाद हम तेजी से इसका काम। गौरतलब है कि सावन के दो सोमवार बीत जाने के बाद विधायक उषा ठाकुर को सावन के झूलों की याद आई। खैर, देर आए दुरुस्त आए। ब्यूरो रिपोर्ट,
INN न्यूज इंदौर। एक और मध्य प्रदेश के मुखिया चुनावी साल में गरीबों के लिए कई योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की उदासीन रवैये के चलते हितग्राही उनके लाभ से वंचित नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शुमार संबल योजना का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है और कई हितग्राही योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में संबल योजना का लाभ देने में कई अधिकारी और कर्मचारी विफल होते दिखाई दे रहे हैं। संबल योजना में पंजीयन के आंकड़ों में लगातार आ रही गिरावट से इंदौर कलेक्टर निशांत वरवड़े ने कई अधिकारियों को फटकार लगाते हुए शोकाज नोटिस जारी किए हैं, जिसमें सीओ जनपद पंचायत के साथ ही मानपुर सांवेर और गौतमपुरा के सीएमओ शामिल हैं। इन सब जगहों पर अधिकारियों की उदासीनता का प्रमाण सीधे दिखाई दे रहा है और हितग्राहियों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गांव में जहां पंजीयन का आंकड़ा 100% होना चाहिए, वहां मात्र 30% लोगों को लाभ उपलब्ध हो पा रहा है। हालांकि इसका एक बड़ा कारण आधार कार्ड और समग्र आईडी के न होने से भी जुड़ा है, जिसके चलते हितग्राही सरकारी योजनाओं से वंचित नजर आ रहे हैं। अपर कलेक्टर कैलाश वानखेड़े की माने तो कुछ अधिकारियों को शोकाज नोटिस जारी किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से संबल योजना में हितग्राहियों की रजिस्ट्रेशन कम होने से संबंधित है। संबल योजना सर्वोच्च प्राथमिकता की योजना है, इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कलेक्टर महोदय के द्वारा शोकाज नोटिस जारी किए हैं, जिसमें गौतमपुरा और दो सीएमओ साहिबान हैं और सीओ जनपद पंचायत इंदौर के ग्रामीण वाले हैं। रजिस्ट्रेशन का कम होना और हितग्राहियों को लाभ कम मिलना, ये दो बिंदु रखे थे, इन्हीं आधार पर इनको शोकाज नोटिस जारी हुआ है। जबकि सीएमएचओ को हमने प्रसूति वाली जो सहायता है उसमें कम हितग्राहियों को लाभ दिए जाने के लिए भी शोकाज नोटिस जारी किए हैं। अब देखना होगा कि जिन अधिकारियों को शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं वे अपना क्या जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज इंदौर। अब जल्द ही रेलवे विभाग मालगाड़ी से गार्ड को हटाने वाला है। गार्ड के मालगाड़ी से हटने के बाद रेलवे सीसीटीवी और वॉकी टॉकी से मालगाड़ी की सुरक्षा करेगा। हालांकि इस प्रस्ताव को अभी उच्च अधिकारियों को भेजा गया है, इसके बाद ही इस प्रस्ताव पर कोई मुहर लग पाएगी। इंदौर में रेलवे के द्वारा मालगाड़ी में सुरक्षा के लिए गार्ड को तैनात नहीं किया जा सकता है, ये प्रस्ताव रेलवे मंडल को बनाकर भेजा गया है, जिसमें कि मालगाड़ी को गार्ड रहित किए जाने पर फैसला लेने को कहा गया है। दरअसल देश भर में रेलवे की मालगाड़ियों के द्वारा एक बहुत बड़े स्तर पर सामान को लाने और ले जाने का काम किया जाता है। सामान की सुरक्षा के लिए हर मालगाड़ी के साथ रेलवे के सुरक्षा गार्ड भी मौजूद रहते हैं, लेकिन अब बढ़ती तकनीकी का रेलवे फायदा लेने जा रहा है और एक प्रस्ताव बनाकर रेलवे के उच्च अधिकारियों के पास भेजा गया है। इस प्रस्ताव को यदि लागू किया जाता है तो जल्द ही रेलवे की मालगाड़ियां गार्ड से मुक्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में रेलवे के द्वारा सीसीटीवी कैमरों और वॉकी टॉकी जैसे संसाधनों की मदद ली जाएगी। जो भारतीय रेलवे है, रेल मंत्रालय है, वो चाहता है कि अब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है कि उसमें अब वाईफाई वॉकी टॉकी है और सारी व्यवस्थाएं हैं, तो उसके मुताबिक रेल मंत्रालय ने ये प्लान किया है। अब प्लान किया है तो अभी जोनल रेलवे पे जाना है और इसके बाद में डिवीजन पे लागू होगा, लेकिन अभी तक ये प्लानिंग रेल मंत्रालय से हो रखा है और अभी जैसे ही लागू होगा हम लोग आपको बताएंगे। हालांकि रेलवे के इस फैसले के बीच सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने वाले कर्मचारियों पर नौकरी का खतरा मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज इंदौर। राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि नरसिंहपुर प्रवास पर आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्य मंत्री जालम सिंह सहित उनके बेटे मोनू पटेल पर अवैध उत्खनन में शामिल होने का आरोप लगाया था। वहीं पलटवार करते हुए राज्य मंत्री जालम सिंह ने उन्हें 1 करोड़ की मानहानि का नोटिस भी दिया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो वे 1 करोड़ का दावा दिग्गी पर करेंगे। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर मानहानि का दावा किया है। पटेल ने 1 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजते हुए दिग्विजय सिंह से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कही। उन्होंने व्यक्तिगत रूप में मुझ पर आरोप लगाया था, इसलिए मैंने ये नोटिस उनको दिया और वैध उत्खनन तो हो रहा है क्योंकि रात में कोई जैसे ट्रैक्टर से उसके लिए कार्रवाई शासन कर रही, कई ट्रैक्टर उन्होंने रात साथ किए हैं, बहुत सारे डंपर रात साथ किए, सरकार प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। नोटिस पहुंचा अगर वो कोई उस पर
जो हमने लिखा है उसमें नोटिस में आप पढ़ेंगे, जो मैंने लिखा अगर वैसा करेंगे तो कोई आगे कार्रवाई नहीं होती, और अगर वो उसका जवाब नहीं देंगे तो फिर आगे कार्रवाई होगी। कितने करोड़ का फैसला हो रहा है? 1 करोड़ की राशि का। अब देखना होगा कि इस नोटिस को लेकर दिग्विजय सिंह क्या जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएन न्यूज़, भोपाल।